ये है एक आइलैंड समंदर के बीचों बीच जहाँ पे है सिर्फ एक बैम्बू, और मुझे यहाँ पे सरवाइव करना है नेक्स्ट 50 डेज बिना किसी और आइलैंड पे जाए। तो डे वन पे मैं पानी में स्पॉन हो जाता हूँ, जहाँ से निकल के मैं पहले वो बैम्बू तोड़ता हूँ, उसके बाद बहुत सारे डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं अपने लिए एक शाही सा महल बना लेता हूँ। क्या मतलब डर्ट का है? फिर मैं निकलता हूँ एक शिपरेक ढूंढने के लिए, क्योंकि बैम्बू से प्लैंक क्राफ्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है क्राफ्टिंग टेबल, और यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए हमें चाहिए वुड, और वुड हमें मिल सकता है शिपरेक में। कुछ ही देर बाद हमें एक शिपरेक मिल जाता है, जहाँ से लकड़ी लेके मैं पहुंच जाता हूँ वापस अपने आइलैंड पे और जल्दी से छुप जाता हूँ। फिर नेक्स्ट डे बैम्बू उग चुका था तो उसको तोड़ के मैं वापस से उसको रीप्लांट कर देता हूँ। फिर रात में मेरे को एक ड्राउंड ने और एक ज़ॉम्बी ने मिलकर ऑलमोस्ट मार दिया था, बट जैसे तैसे करके मैं छिप गया। नेक्स्ट डे मैं सारे बैम्बूस को तोड़ के थोड़े बहुत से रीप्लांट कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ बैम्बू प्लैंक्स। फिर एक पिकैक्स क्राफ्ट करने के बाद मैं थोड़े से स्टोन माइन कर लेता हूँ, जहाँ से मुझे कोल भी मिल जाते हैं। फिर मैं थोड़े से केल्प माइन कर लेता हूँ ताकि कुछ खाने के लिए भी मिल सके। कुछ ड्राउंड्स ने मिलकर मेरे को हाफ आर्ट पर पहुँचा दिया, तो फाइनली मैं घर में आके एक फर्नेस बना के थोड़ा सा केल्प पका के खा लेता हूँ और फाइनली हील कर लेता हूँ। नेक्स्ट डे वापस से बैम्बू माइन करके रीप्लांट कर देता हूँ एज यूजुअल। फिर मैं एक केव में जाकर आयरन माइनिंग कर ही रहा होता हूँ, तभी ये साहब आ जाते हैं। कुछ खाने को दो ना साहब। हेलो। देर बाद मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं, जिन्होंने मुझे तो हाफ हार्ट पे पहुंचा दिया और मैं जैसे तैसे बच के निकल गया। मुझे तभी डायमंड्स भी मिल चुके थे, तो मैंने एक आयरन पिकैक्स क्राफ्ट किया और सारे सारे डायमंड्स माइन कर लिए, जिससे कि मुझे 5 डायमंड्स मिल चुके थे। फिर कुछ ही दूर जाते ही मुझे और डायमंड्स मिल चुके थे और मैंने थोड़ा सा रेडस्टोन भी कलेक्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद मेरे पीछे पूरे एक मॉब्स की फौज पड़ गई, तो फिर मैं भागने लगा। इसकी वजह से मुझे एक आयरन का मेगा वेन मिल चुका था, बट ये मॉब्स मेरे पीछे कहाँ छोड़ने वाले थे। तो इन सभी को मारने के बाद मैं वापस से आयरन माइनिंग पे लग गया और मेरे पास इतने सारे आयरन आ चुके थे। फिर मैं वापस जा ही रहा था तभी मुझे और डायमंड्स दिखते हैं, तो फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि अब तो मैं पूरा डायमंड आर्मर बना के ही जाने वाला हूँ। पहले अपने प्रोटेक्शन के लिए एक डायमंड चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ और साथ में एक शील्ड बना लेता हूँ। तो ये डायमंड माइनिंग के चक्कर में मैं मल्टीपल टाइम्स हाफ आर्ट पे भी पहुँचता हूँ, बट जैसे तैसे बच के मैं डायमंड आर्मर बना ही लेता हूँ। और ये डायमंड आर्मर को अपने ऊपर सजा हुआ देख के तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, पैसों में अंधा हो गया हूं, अंबानी मेरे। फिर मैं सारे के सारे बैम्बूस को माइन करके चेस्ट में रख लेता हूँ। फिर मैं अपने पूरे आइलैंड को रिमूव करने में लग जाता हूँ। पूरे आइलैंड को रिमूव करने के बाद हमारे बेस बनने का स्टार्टिंग होता है। ट्रांजिशन टाइम। ओके, तो अब हमारा घर भी रेडी हो चुका है, तो अब जरा एक बेड बना लेते हैं ताकि नाइट स्किप हो सके, और इसी के साथ बन गया और जल्दी से सो जाते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं बेड एंड वेट हो गया। सोने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तभी ये महाराज यहाँ पे घूम रहे थे, तो इनको मैंने थोड़ा घूमने के लिए छोड़ दिया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। फिर मैं एक बैम्बू फार्म बनाने में लग गया। मैंने थोड़ा सा बोन मिल ले लिया और उसके बाद यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म बना के मैं थोड़ा सा सीड प्लांट कर दिया, ताकि मैं इन सीड्स को थोड़ा और बढ़ा सकूं। के ये ड्राउन के हाथ में ट्राइडेंट है, प्लीज ड्रॉप कर दे। नहीं किया। फिर 3 माइनक्राफ्ट डेज तक एफ के करने के बाद मैंने सारे बैम्बूज को हार्वेस्ट कर लिया, एक नीचे का ब्लॉक छोड़ के। फिर मैंने एक व्हीट फार्म भी बना लिया। मुझे एक इनविजिबल ट्रेडर दिखाई दिया, जो कि कुछ फालतू ही ट्रेड कर रहा था, तो मैंने उसके लामास को भी इनविजिबल कर दिया। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। फिर मेरे पास जितने भी सीड्स थे उनको मैंने प्लांट कर दिया। फिर मैं चला गया ऑब्सिडियन माइनिंग पे, जहाँ पे मुझे डायमंड्स भी मिल गए। फिर ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के बाद मैं वापस आ गया अपने बेस पे। फिर नेक्स्ट डे मैं निकल पड़ा नेदर में। रन लग के लिए हमारा पोर्टल खुल गया बेसाल्ट डेल्टा में। फिर मैं एक बेस्टियन ढूंढने के बाद वहाँ पे पिगलिन से ट्रेड करके एंडर पर्ल्स और फायर रेस के पोशन निकाल लिया, बट मैंने अनलकीली रिकॉर्ड नहीं किया उसको। फोर्ट्रेस पे बहुत सारे ब्लेज मारने के बाद मैं फाइनली आ गया वापस से अपने घर पे। फिर वहाँ पे सारा सारा सामान शॉर्ट करके मैंने क्राफ्ट कर लिए आई ऑफ एंडर्स। फिर मैं निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। स्ट्रॉन्ग होल्ड भी हमारा काफ़ी लकी था, क्योंकि उस पर पूरे पूरे 4 एंडर आए ऑलरेडी लगे हुए थे। एंड में भी मैं पर्ल मार के पहुंच जाता हूँ। अरे क्रिस्टल फोड़ने के बाद मेरी मुलाकात हुई एंडर ड्रैगन से, बट बहुत सारे एंडर मैंस मेरे पीछे पड़ गए, जिनसे कि इतना जैसे तैसे करके बच गया। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। और फिर फाइनली मैंने एंडर ड्रैगन को भी खत्म कर दिया। पता नहीं क्यों मैं ऐसे सेलिब्रेशन के लिए बो चलाने लगा। देखा अपने लापरवाही का नतीजा।
बेस में लौटने तक भी डे 49 ही हुआ था, तो मैं एक लास्ट टाइम अपने बैम्बूज को हार्वेस्ट कर लिया और मैं रैंडमली कुछ भी बिल्ड करने लग रहा था, तभी 50 डेज कंप्लीट हो गए। और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया 50 डेज, वो भी एक ऐसे आइलैंड पे जहाँ पे सिर्फ एक बैम्बू था।